हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों आज की फिल्म है प्रे। दोस्तों ये बात है 1719 की, जब अमेरिका में सिर्फ नेटिव अमेरिकन्स ही रहा करते थे। नेटिव अमेरिकन से मतलब है अमेरिका के मूल निवासी, इमिग्रेशन से पहले का अमेरिका। उस वक्त अमेरिका में 500 से ज़्यादा ट्राइब्स निवास किया करते थे। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम नॉर्थ अमेरिका का दृश्य देखते हैं। वहाँ हम कोमांचे ट्राइब का दृश्य देखते हैं। उस ट्राइब में एक लड़की है नारू। नारू को एक हीलर की तरह ट्रेन किया गया है, जो उस ट्राइब के घायल और बीमार लोगों का इलाज करती है। पर नारू का सपना है कि वो भी अपने भाई ताबे की तरह एक महान शिकारी बनेगी। नारू जंगलों में छिपकर अक्सर शिकार करने की प्रैक्टिस करती थी, पर हमेशा नाकामयाब रहती। यहाँ तक कि अभी तक उसने एक छोटे जानवर का भी शिकार नहीं किया है, पर उसे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसके हाथ सफलता जरूर लगेगी। उसका एक डॉग भी है जिसका नाम सरी है। एक दिन शिकार करते वक्त उसके डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है और वो घायल हो गया था। नारू उस पे हर्ब्स लगाकर उसे ठीक करती है। तभी उसे अचानक से आसमानों में एक हलचल और तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है, बादलों के भीतर एक रोशनी दिखाई दे रही थी और एक तेज आवाज़। उसे लगता है कि ये उसके लिए कुदरत का कोई संकेत है। दूसरे दिन नारू का भाई ताबे उसे शिकार करना सिखा रहा था। वो बताता है कि उसके पिता और वो अक्सर शिकार पर जाया करते थे। तेज वर्षा के बीच उन्हें शिकार करना होता था, काफ़ी मुश्किल था। पर ताबे को नहीं लगता कि नारू कभी एक अच्छी शिकारी बन पाएगी। नारू बताती है, आज सुबह उसने बादलों के बीच एक अजीब सी हलचल देखी। शायद ये उसके लिए कोई साइन है। शायद अब वो कुहतामिया प्रतियोगिता के लिए तैयार है। पर ताबे कहता है उसे नहीं लगता कि अभी वो तैयार है, उसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम कोमांचे ट्राइब का दृश्य देखते हैं, जो नदी के किनारे बसा है। नारू की माँ एक हर्ब मेकर है और नारू ने भी अपनी माँ से ही हर्ब बनाना सीखा है। नारू के पिता उस ट्राइब के वॉर चीफ हैं। उसकी माँ उसे जंगलों से ऑरेंज तोत्सिया लाने को कहती है। ऑरेंज तोत्सिया एक ऐसा हर्ब है जो जख्म को भरने में मदद करता है। अगले दृश्य में हम आसमान में एक स्पेसक्राफ्ट देखते हैं, जो उन्हीं पहाड़ों में उतरता है। शायद ये आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत था। उसमें से एक प्रेडेटर उतरता है, एक एलियन जो दूसरे ग्रह से आया था, पर वो अदृश्य हो सकता था। नारू को हम जंगलों में देखते हैं। जब वो अपने ट्राइब के पास पहुंचती है तो देखती है कुछ शिकारी काफ़ी जल्दी जल्दी में कहीं भाग रहे हैं। नारू के पूछने पर एक शख्स बताता है कि पूही को शेर उठा ले गया है। पूही एक शिकारी है, सब उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। नारू भी छिपकर उनके पीछे आ जाती है, पर वो नारू को देख लेते हैं और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। पर उसका भाई ताबे कहता है अगर पूही उन्हें घायल मिला तो नारू उसका इलाज कर सकती है। नारू भी उनके साथ चली जाती है। उसे एक पत्ते पर खून लगा हुआ मिलता है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एक जगह उनको पूही घायल मिलता है, उसकी सांसें चल रही थी। नारू हर्ब से उसका इलाज करती है। रात हो गई थी, सब उसे उठाकर ले जाने लगते हैं, पर ताबे वहीं रुकने का फैसला करता है। वो उस शेर का शिकार करना चाहता था, वरना वो उनके ट्राइब पर फिर हमला कर सकता है। पर नारू कहती है वो भी उसके साथ आएगी। ताबे कहता है वो अकेले उस शेर का शिकार कर सकता है, पर वो कहती है यहाँ सिर्फ शेर ही नहीं और कुछ भी है, उसने महसूस किया है। क्योंकि अगर शेर था तो उसने पूही को मारा क्यों नहीं? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे देख शेर वहाँ से भाग गया? ताबे अकेले चला जाता है। रास्ते में नारू देखती है एक सांप की खाल उतरी हुई है और वो मर चुका था। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बुरी तरह से इसे कौन मार सकता है, और पेड़ की शाखाओं पर खून के छींटे थे। उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे ताबे की चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढते हुए ताबे के पास पहुँच जाती है। वो वहाँ शेर के इंतज़ार में बैठा था। वो उसे बताती है उसने जंगलों में काफ़ी अजीब चीज़ें देखी, काफ़ी बड़े पैरों के निशान। ताबे कहता है वो किसी भालू के होंगे, पर नारू को पता था वो निशान किसी भालू के नहीं हैं। पर ताबे उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। ताबे कहता है वो जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाए और वो नीचे शेर के लिए ट्रैप लगाएगा। पर थोड़ी देर बाद शेर वहाँ आ जाता है और वो पेड़ पर नारू के बिल्कुल सामने था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी नारू को दूर जंगलों में एक चमकदार चीज़ दिखाई देती है और काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। वो उसे देखती रहती है। इतने में शेर उस पर हमला कर देता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं नारू को होश आता है। वो अपने घर पर थी। उसकी माँ बताती है उसका भाई उसे यहाँ उठा कर ले आया और शेर वहाँ से भाग गया।
ताबे उसे ढूंढता हुआ गया है। नारू बताती है वहाँ जंगलों में कुछ और भी हैं और उसे ताबे की मदद करने जाना होगा, पर उसकी माँ जाने से मना कर देती है। अगर उसे नारू की ज़रूरत होती तो वो उसे उठाकर यहाँ नहीं ले आता। तभी हम देखते हैं ताबे उस शेर को मारकर उसका कटा हुआ सर अपने साथ लेकर आता है। ये देख उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं। ताबे की बहादुरी देखते हुए उसके पिता उसे ट्राइब का नया वॉर चीफ बना देते हैं। सब काफ़ी खुश थे, पर नारू खुश नहीं थी। उसे पता था जो कुछ भी उस जंगल में है वो अभी भी जिंदा है और उसका ट्राइब खतरे में है। नारू ताबे को फिर से उस घटना के बारे में एक्सप्लेन करती है, पर ताबे को उस पर यकीन नहीं था और अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो वो खुद अकेले जाकर उस चीज़ का पता लगाएगी। नारू इमोशनल हो जाती है कि किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं है। दूसरे दिन सुबह उठकर नारू अपने ज़रूरत का सामान लेकर अकेले जंगलों में निकल जाती है और जब तक वो उस चीज़ का पता नहीं लगा लेगी तब तक अपने ट्राइब वापस लौटकर नहीं आएगी। वो जंगल में एक पेड़ पर हरी सी चमकदार चीज़ देखती है। हो ना हो ये उसी का है। वो एक लकड़ी से उस पैरों के निशान को नापती है जो किसी भी जानवर के पैर से काफ़ी बड़ा था। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं एक भेड़िया एक खरगोश का पीछा कर रहा है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ वो प्रीडेटर आ जाता है। वो अदृश्य था। उस भेड़िए से लड़ने के बाद वो उसे मारकर उसकी खाल उतार देता है। नारू अब भी जंगलों में है और शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो रात खाने के लिए खरगोश का शिकार करती है। उसके साथ उसका डॉग सरी भी था। वो रात उसी पहाड़ियों पर बिताती है और सुबह उठकर उसकी खोज में निकल जाती है। यहाँ हम उस प्रीडेटर को एक केव में देखते हैं। वो अपने साथ उस भेड़िए के सर को ले आया था। उसके सर की हड्डी निकालकर वो अपने बगल में लटका देता है। यहाँ हम उस प्रीडेटर को पूरी तरह से देख पाते हैं। वहाँ से निकलकर नारू एक खाली मैदान में आ जाती है। वहाँ काफ़ी जंगली भैंसे थे जो अब मर चुके थे। किसी ने उनके शरीर से खाल उतार लिया था। वो देखती है उस भैंसे के पास एक सिगार पड़ा हुआ है। अब वो प्रीडेटर भी उसी दिशा में बढ़ रहा था जहाँ नारू थी। नारू देखती है अचानक से उसका डॉग कहीं चला गया है। वो उसे आवाज़ देती है पर वो दिखाई नहीं देता। वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और एक दलदल में फंस जाती है। वो उससे निकलने की कोशिश करती है पर और भीतर धंसती जाती है। उसके सामने एक पेड़ था। वो अपनी कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर उस पेड़ पर फेंकती है और उसकी मदद से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सरी वहाँ आ जाता है। नारू देखती है नदी के पास एक जंगली भालू एक हिरन को खा रहा है, पर उस भालू को उनकी महक से वहाँ होने का पता चल जाता है। वो जैसे ही उस भालू को मारने जाती है उसका धनुष टूट जाता है। वो जान बचाने के लिए नदी की दूसरी तरफ भागने लगती है और वहाँ काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा थी। वो उसमें छिप जाती है, पर जैसे ही वो भालू उसे पकड़ने जाता है वहाँ एक हलचल होती है। वो प्रीडेटर वहाँ आ चुका था। भालू और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है। नारू ये सब छिप कर देख रही थी और काफ़ी डर जाती है, और थोड़ी देर में वो उस भालू का काम तमाम कर देता है। वो प्रीडेटर नारू को देख लेता है। नारू वहाँ से भागने लगती है। वो नदी में बहकर दूसरी तरफ आ जाती है। वो देखती है नारू को वहाँ ढूंढते हुए उसके ट्राइब के कुछ लोग आ गए हैं। वो उसे ले जाने आए थे, उन्हें ताबे ने भेजा था, पर नारू जाने से मना कर देती है। तो वहाँ उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो नारू का हाथ बांध कर वहीं बिठा देते हैं। वो उन्हें बताती है कि इस जंगल में काफ़ी खतरनाक चीज़ है और उसने उसे अपनी आँखों से देखा, पर उसका कोई यकीन नहीं करता। नारू का पीछा करते वो प्रीडेटर वहाँ भी आ गया था। उन्हें उस तरफ से आवाज़ आने लगती। सभी निशाना लगाते हैं। तभी एक हंटर के शरीर पर तीन लेज़र डॉट दिखाई देते हैं और उसके बाद तीन तीर आकर उसके सीने में लग जाते हैं। वो हंटर वही मर जाता है। वो प्रीडेटर प्रोजेक्टाइल वेपन का यूज़ कर रहा था जो काफ़ी खतरनाक था। वो प्रीडेटर गायब था इसलिए वो हंटर उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। नारू अपनी रस्सियाँ काटने लगती हैं। वो सभी हंटर अपनी सारी ताकत के साथ उससे लड़ते हैं, पर वो एक एक करके सभी को मार देता है। इतनी दर्दनाक मौत देख नारू काफ़ी डर जाती है और वहाँ से जंगलों में भागने लगती है। वो प्रीडेटर उसका पीछा करने लगता है। वो वहाँ से एक खुले ग्रास लैंड में आ जाती है। तभी वहाँ नारू के ट्राइब की एक लड़की मिलती है। वो लड़की नारू को नीचे बैठने को कहती है जिससे वो उन्हें देख नहीं पाएगा, पर वो प्रीडेटर अपने स्कैनर से उन्हें देख लेता है। नारू उस लड़की के चेहरे पर लेज़र डॉट देखती है तो उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर भागते वक्त वो प्रीडेटर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वो नारू के पीछे भाग रहा था। भागते वक्त नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो प्रीडेटर वहाँ आ जाता है।
पर वो नारू को कुछ नहीं करता। शायद वो नारू को अपने लिए कोई थ्रेट नहीं समझता। तभी वहाँ कुछ फ्रेंच यात्री आ जाते हैं जो उसी जंगलों में छिप कर रह रहे थे। उनके लीडर के कहने पर वो नारू को लेकर अपने कैंप चले जाते हैं। रात नारू को जब होश आता है तो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। नारू का डॉग सरी भी उनके पास ही था। नारू देखती है जो फ्रेंच लीडर था वो बिल्कुल वैसा ही सिगार पी रहा है जो उसे उन भैंसों के पास से मिला था। उसे पता चल जाता है कि उन भैंसों को इन लोगों ने ही मारा है। वो भैंसों के खाल का व्यापार करते थे। उनके पास एक शख्स था जो उनके ट्रांसलेटर का काम करता था। वो नारू से पूछता है कि वो उस प्रेडेटर के बारे में क्या जानती है। इससे पता चलता है कि वो सभी उस प्रेडेटर से पहले से वाकिफ हैं। वो बताता है कि वो क्रीचर एक शिकारी है और खुद से शक्तिशाली बीस्ट को तलाश कर रहा है, पर नारू उसे कुछ नहीं बताती। नारू देखती है उसका भाई ताबे भी उनके कैद में है। उसके जवाब न देने पर वो उसके भाई को टॉर्चर करते हैं। वो ताबे और नारू को ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। वो दोनों प्रेडेटर के लिए एक चारा थे और फ्रेंच उसका इंतज़ार करने लगते हैं। वो प्रेडेटर वहाँ आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ चुका था और एक एक करके सभी फ्रेंच को मारने लगता है। ताबे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है वरना वो उन्हें मार देगा, पर नारू बताती है कि वो प्रेडेटर इस तरह से अपना शिकार नहीं करता। वो तब तक उस पर हमला नहीं करता जब तक कि उसे सामने वाला अपने लिए थ्रेट न लगे। वहाँ ताबे बताता है कि वो उस दिन शेर को मार पाया तो सिर्फ नारू के प्लान की वजह से। उसका पेड़ वाला ट्रिक काम कर गया था। वो नारू को बताता है कि वो कमज़ोर नहीं है, उसमें एक शिकारी वाले इंस्टिंक्ट है। उसके पास कई एडवांस्ड वेपन्स थे। वो उन्हीं हथियारों की मदद से एक एक फ्रेंच शख्स को मार देता है, पर वो फ्रेंच लीडर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ताबे और नारू अपनी रस्सी छुड़ा लेते हैं। ताबे कहता है वो घोड़े लेकर आएगा और दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। नारू अपने डॉग सरी को लेने कैंप वापस चली जाती है। वहाँ उसका डॉग मिल जाता है। फिर वो अपने चोट को साफ करती है। वहाँ वो फ्रेंच ट्रांसलेटर आ जाता है। प्रीडेटर से लड़ते वक्त उसका एक पैर कट गया था। वो नारू को अपनी मदद करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो उसे अपनी गन दे देगा और बताएगा इसे चलाना कैसे है। नारू उसे हर्ब्स देती है जिससे उसकी बॉडी हीट बढ़ जाती है और खून रुक जाता है। तभी वहाँ प्रीडेटर आ जाता है। नारू छिप जाती है, पर वो शख्स मरने का नाटक करके वहीं लेट जाता है। पर जैसे ही प्रीडेटर का पैर उस पर पड़ता है वो चिल्ला देता है। उसके बाद वो उसे मार देता है। वो देखता है नारू का डॉग उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो जैसे ही उसे मारने जाता है घोड़े पर ताबे आ जाता है और वो उस प्रीडेटर के सर पर मारता है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे वो प्रोजेक्टाइल वेपन की तरह यूज़ करता था। ये बात नारू को पता चल जाती है कि वो उसके प्रोजेक्टाइल वेपन के बिना कुछ नहीं और उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, पर वो अपना मास्क वापस उठाकर पहन लेता है। ताबे काफ़ी देर तक उससे लड़ता है क्योंकि वो एक योद्धा था। नारू उस गन में उसे मारने के लिए पाउडर भरती है। कमज़ोर पड़ने पर वो प्रेडेटर गायब हो जाता है। ताबे नारू से भागने के लिए कहता है और वो उसका साथ यहीं तक दे सकता था। नारू उसकी बात समझ नहीं पाती। ताबे बताता है वो उसके लिए थ्रेट है और वो अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो एक शार्प वेपन से ताबे को मार देता है। ये देख नारू इमोशनल हो जाती है। नारू वहाँ से भाग जाती है। यहाँ ताबे के मौत का संदेश एक हंटर उसकी माँ के पास लाता है। नारू भागकर एक नदी के पास आ जाती है। अपने भाई की मौत से काफ़ी दुखी थी, वो रोने लगती है। शाम वो नदी के उस तरफ उस फ्रेंच लीडर को देखती है जो बच के भाग गया था। वो उसके पास जाकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसे जब होश आता है तो उसका एक पैर कटा हुआ था, जैसे उसने उसे और उसके भाई को प्रेडेटर के लिए बांधा था। वो भी उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर में वो प्रेडेटर वहाँ आ जाता है। नारू भी वही थी, पर वो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो उसे थ्रेट नहीं मानता। वो जाकर उस फ्रेंच शख्स को मार देता है। नारू को किसी भी तरह से उसका प्रोजेक्टाइल वेपन यानी उसका मास्क चाहिए था। उसकी मदद से ही वो उसे मार सकती है। वो पीछे से उसके सर पर फायर करती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है। वो उसे लेकर भागने लगती है जहां उसने उसके लिए ट्रैप लगाया है। वो दोनों में फाइट होती है। नारू उसका एक हाथ काट देती है और उसे उसी दलदल में लाकर फंसा देती है जिसमें वो पहले फंसी थी, और वो मास्क को उसके सामने पेड़ से लगा देती है। जब वो खुद को दलदल में फंसा पाता है तो प्रोजेक्टाइल वेपन का यूज़ करता है। उसे पता नहीं था उसका मास्क सामने ही है। वो लेज़र शूट करता है और तीर सीधा आकर उसके सर में लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। दूसरे दिन सुबह नारू अपने ट्राइब वापस आ जाती है और उसके हाथ में उस प्रेडेटर का कटा हुआ सर था,
और उसने अपने चेहरे को उसके हरे खून से रंग दिया था। नारू की यह बहादुरी देख उसे ट्राइब का नया वॉर चीफ बना दिया जाता है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।